बाबा कुंदन सिंह जी के वचन, रात को बाणी पढ़ते पढ़ते आप सो रहे, ध्यान देना, सो समझो जपजी साहब जी का पाठ करते करते कीर्तन सोहले का पाठ हो गया, आप जपजी साहब जी का पाठ आपने शुरू कर दिया या सुखमणि साहब जी का पाठ आपने मोबाइल में लगा लिया, कीर्तन सुन रहे हैं, कोई भी पंक्ति जो आप सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, अब आप सो गए। ये थर्मामीटर है अपने आप को चेक करने का, हम कहां पर खड़े हैं। कहते थे आप सुबह उठे, आपके मुंह में अगर वाणी की वही पंक्ति है जो आप सुनते सुनते सो गए थे, तो आपका पूरी नींद इस तरह लिखी गई है वहां पर दरगाह में लिखी गई है कि ये पूरी रात नितनेम करता रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारी रात इसकी सिमरन में लिखी गई है, फिर ये नहीं लिखा गया कि ये सो गया है, ये सारी रात सिमरन करता रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जुगती है अपना लो, सारे काम निपटाने के बाद कीर्तन सोहले का पाठ करने के बाद फिर कोई ना कोई बाणी, कोई कीर्तन, कोई शब्द सुनते हुए नींद आनी चाहिए। और महापुरुष तो यहाँ तक कहा करते थे, ऐसी मन की अवस्था बनाओ कि जब तकिए पे सर रखते हो तो ये महसूस करो कि गुरु नानक की गोद में सर रख रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये भावना बनाओ कि गुरु नानक की गोद में सर रख रहा हूँ। ज्ञानी संत सिंह जी मस्किन।